देखिए है तो नो डाउट इसमें एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज़्यादा, पेस भी नहीं है। जो बॉलर्स हमारे पास हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश कंडीशन के बॉलर्स हैं, तेज़ बॉल करने वाले होने चाहिए, आने चाहिए। लेट्स सी इन बच, ये जो नए लड़के के नया टैलेंट गया, ये इनके लिए चैलेंजिंग भी है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद इसका मतलब है कि ये केपेबल हैं अपने आप को बड़ा नाम बनाने के लिए, बड़ा स्टार और बड़ा पाकिस्तान के लिए काफ़ी अर्सा खेल सकते हैं। तो लेट्स सी, अब होप नॉट आउट। शायद भाई अग्रेसिवली खेलना होगा, जिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप अग्रेसिव अगर ना खेलो, डिफेंसिव रहोगे, वो आपको मार देंगे। आपको जो टीमें इस लेवल पे उनके खिलाफ हमेशा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की कामयाबी अग्रेसिव क्रिकेट है, वो कभी डिफेंसिव मैंने उन प्लेयरों को नहीं देखा या उनकी टीम को कभी नहीं देखा। कब जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूँ साथ, कभी मैंने उनको डिफेंसिव नहीं देखा। तो हमें भी उसका सहारा लेना चाहिए। स्लेजिंग में जाएंगे तो खैर छोटी सी बातें, इतनी बड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से कुछ कहें, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए आपको कि सामने वाले को पता चल जाए, कहने की जरूरत ना पड़े। शायद भाई मिसबा ठंडे कप्तान और बाबर आजम की कप्तानी में आपने देख लिया है कि देखें, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा बड़ा चैलेंजिंग रहा है किसी भी दौर में। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये गए वहाँ पर हार के आ जाएंगे, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद ही रखी है कि वो जीत के आएंगे। मैंने तो हकीकत में कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी हुई। नए बच्चे गए हुए, ज़्यादातर नई टीम गए जो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर है उनके लिए, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये है कि जो प्लेयर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे वही आगे लंबा खेलेंगे, वही दुनिया की नज़र में आएंगे, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बड़ी काउंट की जाती है। जहाँ तक आप मिसबा की बात कर रहे हैं, एक नया सेटअप सेट हुआ हुआ है, तो चीज़ों को चलने दो। हर चीज़ को, हर चीज़ टाइम मांगती है, टाइम लेना चाहिए, एंड देन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट पता चल ही जाएगा कुछ अरसे बाद। शायद भाई नवाज शरीफ जा रहे हैं मुल्क से बाहर इलाज करवाने के लिए, क्या पाकिस्तान में सिर्फ अमीर के को हासिल है इंसाफ भी, सहूलियात भी, सब कुछ, गरीब रोल रहा है, गरीब यहाँ पे पाकिस्तान पे कोई पूछने वाला नहीं उसका? यार मेरे ख्याल में जा रहे हैं तो जाने दो, इलाज कराने जा रहे हैं तो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। वो आना भी तो है ना उन्होंने वापस, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं रह सकते। जो मुखलिस आदमी होगा वो पाकिस्तान के बगैर नहीं रह पाएगा। आप समझते हैं मुखलिस हैं? हम सारे, मुझे ये पता है कि शायद अफरीदी कितना मुखलिस है, मुझे दूसरे का नहीं पता मैं कितना मुखलिस हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेहत के साथ है और जिन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है इस बीमारी के हवाले से, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आई नो कैंसर क्या है, इसलिए कि मेरे वालिद साहब 8 साल कैंसर के साथ लड़ते रहे। आई नो कि बड़ी स्टेज 3-4 में थे, लेकिन उसके बावजूद वो 8 साल कैंसर के साथ लड़ते रहे। मेरी बड़ी बहन का भी अभी ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। जो बात यहाँ पे होती है पेरेंट्स के हवाले से, कि पेरेंट्स का हमेशा बहुत अहम रोल होता है बच्चों की लाइफ में, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स से अच्छे टीचर्स कोई भी नहीं है। तो पेरेंट्स जितना भी अपने बच्चों को मोटिवेट रखें, उनके टैलेंट को सपोर्ट करें, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन सारे पेरेंट्स को जिन्होंने, आई नो कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, टफ टाइम गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सपोर्ट थी बच्चों के लिए, आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की आवाम से, आवाम की तरफ से इंडस हॉस्पिटल, उनकी मैनेजमेंट का, डॉक्टर बारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनका इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम रोल है इन माशरे के लिए।